तो व्लॉग की शुरुआत हुई है मेरे भाई यार जयपुर जी फ्लेवर जयपुर से आए हमसे मिलने। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यार, पहले मेन चीज क्या, भाई के पास भी कुत्ता है। कुत्ता ऑफ कोर्स, हम डॉग लवर्स कुत्ता नहीं बोलते ऐसे, बहुत गुनाह हो जाता है। ठीक है, डॉग है भाई के पास और जिनका नाम है गबरू। ठीक है, वो भी गोल्डन रिट्रीवर। तो भाई का बहुत मन था स्टार्टिंग से कि यार मैं अपने डॉग से मिलाऊं, नॉडी से। हम तो देखो प्यार से कुत्ता ही बोलते, कुत्ते कुत्ते, लेकिन नहीं भाई, तो ये मिलके गए थे गबरू से। हाँ। हम मैं नॉडी से मिलने आया हूं, ये वाली बात है, ये मुझे तब से बोलते हैं नॉडी से मिलाऊं मुझे। ये देखो, ये हमारा पग्गू देखो, उसी से मिलने आया हूं, इनसे नहीं आया। आओ भाई आओ, पहले आप इससे मिलो। ये अपना छोटू है पग्गू। हां ठीक है, जिसका नाम रखा हमने, एकदम मेहनत नहीं करी है, सिर्फ पग का पग्गू कर दिया है। लिस्ट मेहनत लगी है इसके नाम को, नामकरण करने में ना, लेकिन मेन चीज मैं नॉडी को बुलाता हूं। नॉडी क्या हुआ, क्या हुआ भाई, गलत मत समझ लेना। अरे भाई नॉडी, तुझे तो आना पड़ेगा ऊपर तेल ले भाई। तू बग गया ऊपर, ओ तेरी, तू मस गिर जी भाई। आ गया, अबे तू भी आ साथ में, क्या दूर दूर से करेगा क्या? आ रहा हूं, आ रहा हूं ऊपर ऊपर। हाय नॉडी, जल्दी जल्दी ले, शॉट लाइए कंटेंट ना मार ले पागल। ये देखो, क्या हुआ पैर में लग गई है, दिक्कत है। क्या हो गया पगू, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? देखो कितना बदमाश है, ये कितना शरीफ है, ये बहुत गोल्डन शरीफ होता है, शरीफ होते हैं भाई, शैतानियां करते हैं खाली। नहीं हाँ, बस बाकी शरीफ ही होते हैं, बहुत बहुत बहुत। तो देखो, दो गोल्डन रिट्रीवर पेरेंट बोल लो हम मिल रहे हैं ना। ये बहुत अच्छा गाना है भाई, इसको गुस्सा आ रहा है, मैं उसको क्यों प्यार। हाँ, एक्चुअल में यही सारी बात है। हैंडशेक कर सकते हैं, ऐसा लगी है तो शायद, इसका पता नहीं। अरे वाह, गुड बाय, थोड़ी तुम तो इज्जत रख ली मेरी यार, बहुत बढ़िया, गुड, चलो चल बाय बाय। तो भाई ये भाई खेल का जा रहे हैं, क्या बात है यार, बहुत सही। भाई ने जिमनी भी लिया अभी हाल ही में ना। हाँ, जिमनी लिया, जिमनी भी लिया, उसमें ऑफ रोड वगैरह भी कर रहे हैं, ऑफ रोड प्राइस भी देता। अरे हाँ, मैंने वो भी स्टोरी में देखा। तो अपने खास भाई यार, चलो ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें याद होगा भाई के साथ हमने एक लैम्बो का एपिसोड बनाया था, जो भाई ने लैम्बो कन्वर्ट करी थी सिविक से, है ना। तो तुम जानते हो, मतलब मैं परफॉर्मेंस मोड, कॉस्मेटिक मोड के साथ साथ मैं ये रेप्लिका वाली इंडस्ट्री से भी काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ जैसे, है ना। तो लेकिन भाई इस इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, जो कि मैंने आपके साथ शायद मैंने ऐसे शेयर, मतलब हमने बात नहीं करी यूट्यूब पर, भाई आप अपनी तरफ से जरा बताओ क्या स्कैम क्या है। मतलब स्कैम भाई ऐसा हो रहा है, मतलब लोग आपसे एडवांस ले लेंगे, ठीक है, एडवांस लेने के बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं, और फोन उठाने के बाद वो कस्टमर्स हमारे को फोन कर रहे हैं, भैया आप भी मॉडिफाई का काम करते हो, आप उनको जानते होगे, तो अब उनको क्या जवाब दोगे, आपके साथ स्कैम हो चुका है, वो भी नहीं दे सकते भाई। मतलब चल रहा है मार्केट में, बहुत गंदा स्कैम चल रहा है, और पहले भी रह चुके हैं एक बहुत बड़े स्कैमर, वैसे दो तीन और पैदा हो रहे हैं अभी, जिनकी वजह से हमारे भी थोड़ा सा जो सस्ते के लालच में पकड़। हाँ मतलब अगर बेसिकली अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई हम आपको रेप्लिका करके दे देंगे 5 लाख 6 लाख 7 लाख, तो वो स्कैम है, वो बन ही नहीं सकती इतने में। बिल्कुल यार, बिल्कुल भाई। और भाई जो बता रहे हैं, एक तो भाई कहाँ कहाँ के भाई हैं मुझे पहले बताओ, जगह बता दो बस, जगह बता दूँ। हाँ जगह, थोड़ा लोग आगरा होंगे इससे, अब वीडियो पता नहीं कितनी कहाँ तक पहुँचेगी, पर हमारा काम है भाई आगरा करना। देखो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादा चल रहा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं। हाँ दिल्ली, गुड़गांव और गुड़गांव। अच्छा चलो ठीक है, मध्य प्रदेश का तो चलो हमें पता है, ये गुड़गांव का जो आप बता रहे हो मुझे, तो उसमें जब हम बहुत पहले भाई को मैंने कॉन्टेक्ट किया था, वो बेसिकली ओल्ड मस्टैंग वगैरह बनाते हैं ऐसे, है ना। तो वो भाई तब से ही बहुत मुझे ऐसे, जैसे ही बोलो भाई अकड़ में, या जैसा भी जो उनका तरीका होगा, ठीक है, कि भाई हमारी तो न्यूज़ चैनल में आती है, मैं आपसे क्यों कराऊंगा यूट्यूब पे ये वो एंड ऑल। तो तब से ही पता लगता था कि हाँ भाई भाई अपना थोड़ा हवा में रहते हैं। तो उन्हीं भाई के बारे में बता रहे हैं, नाम क्या लेना आप, देखो ये थोड़ी सी अंडरग्राउंड वाली बात है, ठीक है, जितने लोगों को पता लग जाएगा। बोल दिया मस्टैंग, तो वो बहुत मेजर हिंट है, मस्टैंग बहुत मेजर, ज्यादातर उसने वही बनाई है। हाँ मस्टैंग ही बनाई है, और रिसेंटली अभी जो, मतलब खैर मेरी आज ही बात हुई, अच्छा अभी कुछ घंटों पहले उस आदमी से, अच्छा क्योंकि तो मैंने, मेरे पास क्या है, कोई क्लाइंट था। हाँ। तो उसको रेडी गाड़ी चाहिए थी, होता है पेशेंस नहीं होता लोगों में। हाँ। मेरे को पता था खड़ी है उसके पास। अच्छा ओके। मैंने फोन किया तो ही सेड कि भाई मैंने तो 69 के पेपर्स जुगाड़ लिए हैं। हाँ।
और ओरिजिनल गाड़ी बिकेगी अब तो, ओरिजिनल इंजन डाल दूंगा मैं। अरे अच्छा, बोला ओरिजिनल मस्टैंग 69 1,25,00,000 की बिकेगी। अच्छा, वो अलग ही स्कैम की फिराक में है, मतलब वो अब अलग स्कैम, अलग लेवल की स्कैम पे फिराक में। अरे भाई, मतलब वो जो 69 की रेप्लिका भी जो बोल रहे ना, वो उसकी भी बातें ऐसी हैं, 21,00,000 की पंजाब से यहाँ पकड़ा है, 21,00,000 का तेलंगाना से पकड़ा है, स्कैम है और कुछ नहीं है। मतलब वो ये रेप्लिका वगैरह कन्वर्जन वगैरह वाली, उसमें थोड़ा स्कैम चल रहा है, आप लोग थोड़ा बच के रहो, है ना। एमपी के अपन तो 9 साल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो 9 साल क्या, सॉरी 7-8 साल तो हो ही गए, मेरे को भी काफी हो गए जब से काम कर रहे हैं, 8 साल तो मेरे को भी काम करते हुए इतना ही हो गया भाई। तो आपसे पहले मैं उधर ही मिला था, इंदौर। हाँ, इंदौर में मिले थे अपन, येलो माफिया। तो मेजर हिंट मिल गया होगा, अगर जितने लोग थोड़ा सा इंटू है हमारी इन चीजों में, तो वो येलो माफिया वाली कार भी मेरी थी। अच्छा, आज ओनर। पर वही है यार, देखो इन सब चीजों में क्या है भाई, थोड़ा सा आप, क्योंकि दिल्ली में क्या है, टीयर 1 सिटी में आ जाती है तो इतना रेप्लिका का चलन है नहीं, पर अगर हमारी वीडियो थोड़ा सा नीचे और उसमें पहुंच रही है जगहों पे, तो उन लोग को थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सस्ते के चक्कर में मत फंसो। हाँ, बेसिकली बस सस्ते के चक्कर में मत फंसो। हाँ, क्योंकि बनवाओ मत, वो सबसे बेस्ट है, सस्ता मत करो कुछ, चाहे उससे बेटर मत बनवाओ, वो ज्यादा बेटर है, पैसे डूबेंगे, क्योंकि आपके पैसे डूब जाएगा आपके। यार जो बनवाता है बेसिकली उसकी बहुत हार्ड अर्न मनी होती है, नहीं तो कोई अच्छी गाड़ी खरीदेगा ना। अब कितने लोग बचे हैं यार इस काम में, रेप्लिका वाले काम में, कोई कोई नहीं बचा, मुझे आप बचे हो ज्यादा से ज्यादा। और आप जैसे यार बेसिकली मैं आपको बताऊं, अब बाकी जितना, एक बहुत बड़ी बात और खोलता हूं आपको, बहुत मेजर चीज है, मतलब अच्छा, आप अभी भाई आपने एक पीले रंग का वीडियो भी डाला था, अपने पास खुद की सीएनसी 3D प्रिंटर्स है, तो पहले की डाइज वगैरह सब मेन बात है, लैम्बोर्गिनी की बॉडी किट मिलती है भाई, कितना मेन, हम एमजी मॉडिफिकेशन के लिए बात करेंगे भाई इस चीज़। लैम्बोर्गिनी की बॉडी किट्स अवेलेबल है, फरारी F430, मस्टैंग 69 की बॉडी किट अवेलेबल है मेरे पास, मतलब लिमिट ही नहीं है, वो अपन एक अलग एपिसोड ही हो जाएगा उसके लिए। तो टॉप लेवल काम कर रहे हैं भाई, देख लो यार, बहुत बढ़िया, प्राउड है। तभी तो कैप्शन मिला था, मेट द किंग ऑफ द कार रेप्लिकास। वो वीडियो मेरे 2.0 चैनल पे चली, मैं तो ये देख रहा था, और जितनी चल रही थी उस हिसाब से चली, तो वैसे हम दोबारा, अब 80,000 व्यूज हो गए मैंने अभी, भाई बस जरा किया, बता क्या बात कर रहे हो। हां भाई, 2.0 चैनल में दोस्तों, 2.0 जिसमें व्लॉग आ रहा है, तो भाई एक और उसमें भी अपन ने, मतलब एक चीज और मैं बताता हूं, अपन ने क्या दिखाया, अंधेरे में फ्लैश लाइट जहां पड़ रही है वहीं दिख रहा है, देख लो, कुछ भी नहीं दिख रहा था, और अपन दिन का बना ले तो भाई वो तो खजाना है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, भाई के साथ हमारा प्लान जैसे बता रहा हूँ मैं, जो अभी हम जी वैगन हमर का बता रहे हैं, वो भी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में हम कुछ प्लान करते हैं, लेकिन भाई जयपुर में आपके पास क्या प्लान हो रहा है, जरा वो फोटोज भाई दिखाएंगे क्या बन रहा है, तुम देखो, मैं वही खोल रहा था, मजा आ जाएगा यार। मतलब मैंने जो टैग दिया भाई को, वो बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि यार काम भी हिसाब से कर रहे हैं ना दोस्तों। अभी तुम देखो भाई, फोन पे जरा फोकस करें आप कैमरामैन, ये एक फरारी रेड कलर में, ये पहले वाइट कलर में थी, इसका जस्ट अभी कलर चेंज किया है, ये वेडिंग्स के लिए रखी हुई है हमने 4 सीटर। ये आ गई अपनी जो विंटेज जो रेडी हो रही है, ये क्या इसमें है? फ्रंट में जिसमें मस्टैंग बॉडी किट डाला है। अच्छा। ये कॉन्टेसा है बेसिकली, बैक से अपन ने चेंज नहीं करी। अच्छा। है मस्टैंग बॉडी किट डाली है फ्रंट। हाँ, खाली फ्रंट फ्रंट डाला, क्योंकि अपन को क्या मार्केट में जल्दी लॉन्च करनी है, अपनी खुद का प्रोडक्ट ही है ये। अच्छा, ओपन, लेकिन बेसिकली अब जो अपन काम कर रहे हैं ना, क्योंकि ये स्कैम से इतने होने लग गए ना, तो अपन ने क्या फंडा सोचा कि कीप रेडी कार्स, जो है भाई आओ देखो ये चलाओ। याद है ना, मैंने भी कहा था आपको जब मिला था, उसी फंडे पे आ चुके हैं प्रॉपर। अब मतलब आने वाले टाइम में अपन लैम्बोर्गिनीज भी रेडी फॉर सेल करेंगे, और ज्यादा नहीं 2-3 महीने में अवेलेबल हो जाएंगे। आने वाले टाइम के यार काफी बड़े स्टार रहे हैं जिन भाई को हम ले रहे हैं, तुम समझ रहे हो, तो सपोर्ट बरकरार रखना है सब भाइयों पे, वो वाली बात है। चिमनी आ गई, याद आ गई भाई। और कुछ बन रहा है क्या इसके अलावा? अभी जो काम चल रहा है, एक तो मस्टैंग 69 चल रही है, भी चल रहा था, SVJ चल रही है, वो भी मैं दिखाऊंगा। व्हाइट कलर में भाई एक और था शायद, मुझे लग रहा है कोई एक और गाड़ी थी मेरे पास। SVJ 2 चल रही है, और एक सेंटेनारियो लैम्बोर्गिनी, बेसिकली 3 लैम्बोर्गिनीज चल रही है, जिसमें 2 एवेंटेडर SVJ है, एक सेंटेनारियो की रेप्लिका है, एक मस्टैंग 69 की रेप्लिका हो गई। क्या बात है, बुगाटी वेरोन एज इट इज खड़ी है अभी, बुगाटी वो खड़ी है, और कन्वर्टेबल भी एज इट इज खड़ी है, क्योंकि ये निकालने के बाद फिर अपन उन पे काम करेंगे, अपना गाड़ियां इतनी सारी हो गई एक टाइम पे। हाई टाइम है स्विफ्ट का, क्योंकि स्विफ्ट नए वाले मॉडल आया, तो स्विफ्ट कन्वर्टेबल कुछ कर दो। बिल्कुल हां, स्विफ्ट की बॉडी किट लगा दो आगे। मसराती भी है, अब मसराती, हां यार उसका क्या सीन चल रहा है? मसराती भी अपनी है भाई, मतलब ये सारी कार्स अपन रेडी फॉर सेल वाला प्रोडक्ट है, ये जो अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, 80-90% कंप्लीट है।
और ये हम फिर यार भाई जब पहुंचेंगे ना जयपुर, ये सारा हम तब दिखाएंगे, चाहे मेकिंग ही हो रहा हो, इन लोगों को तब फिर दिखाने में ज्यादा मजा आएगा, है ना। बाकी तो अब सून हम एक बार भाई के साथ डवाली के आसपास एक एरिया है जहाँ पे जी वैगन हमारे, वो वाला सीन भी दिखाएंगे भाई के साथ चलेंगे। और जी वैगन भी जो अपनी बॉडी गेट है वो भी अपनी इन हाउस बॉडी गेट है, मतलब आपने शायद अगर देखी हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेट डायमेंशन है। यस 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 भाई, फाइबर की आपने बनाई है ना। हां फाइबर की बॉडी गेट है, मतलब वो भी सीएनसी की बात कर रहे हैं भाई। ये जो हम बात कर रहे हैं तुम जानते हो यूनिक ही वो कुछ है ना, जी वैगन लिमोजिन और हमर भी लिमोजिन है ना। हमर लेमोजीन नहीं है बट अच्छा। हमर H2 के ओरिजिनल रेप्लिका है और वो अच्छा। इंडिया में पहली ही है क्योंकि मतलब उस पे बहुत चली थी अपनी वीडियो किंग वाली ना, मैं बता रहा हूँ वो मेन थंबनेल था क्योंकि एंडेवर से हमर बनी है, समझ रहे हो। मैं बता रहा हूँ क्रेजी कंटेंट ऑन उस पे भाई, मतलब मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब जैसे वो गाड़ी की मतलब विड्थ बड़ी हुई है, बेसिकली विड्थ बहुत लोगों ने बढ़ाई है, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, सब लोगों ने बाहर से गाड़ी की बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ाया है, अंदर हाँ। से किसी ने कैबिन नहीं बढ़ाया। ओके आपने वैसे तो अगर मैं इस सीट पे बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे तो मैं वो वाला गेट नहीं खोल सकता, इतनी चौड़ी है वो अंदर से गाड़ी भाई। वो वैसे हमर कम खोल सकते हैं, मतलब सेम डायमेंशन है भाई वो अच्छा। हमर में भी वही सेम दिक्कत आई है, प्रॉपर प्रॉपर अंदर से भी सेम है, जैसे डैशबोर्ड उसका प्रॉपर बनाया अपन ने, और एक एक छोटी से छोटी तार भी है ना, मतलब गाड़ी में जैसे अपन बाल नहीं गिन सकते वैसे तारे नहीं गिन सकते। अरे वाह, बहुत एक कॉमन सा ट्रैक है, मतलब सुना होगा आप लोगों ने किरंगा वाला ट्रैक, मतलब गए हो? हाँ भाई मैं तो नहीं गया ये। अच्छा तो भाई वहाँ पे वैसे तो मैंने किया हुआ है 3-4 बार ओवर ट्रैक, तो एक्सपीरियंस था मेरे को, मतलब दिन का ही था, दिन का और शाम का। तो निकल दिए भाई, मेरे बर्थडे की बात है और अच्छा मज़े की बता ही देता हूँ भाई, मेरा 3 जने हम गए थे। अच्छा, मैं, एक मेरे गैरेज का मैकेनिक, अरे वाह, और तीसरे भाई वही अपने येलो माफिया, अरे तो हम तीनों भाई गए थे। और कार कौन सी? कॉन्टेसा। अच्छा, जयपुर से, जिसपे लोगों ने हमें ये बोला था कि भाई ये जयपुर क्रॉस नहीं करेगी, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी, वो ठेठ कसौल जाके वापस आई। अरे भाई भाई, मतलब वो कॉन्टेसा के भरोसे, मतलब ऐसे मत सुनो, उसके अंदर इंजन टोयोटा का था। ओहो क्या बात है, तो जाके आई बढ़िया। तो हम गए थे भाई, मेरा बर्थडे था, कसौल गए। ठीक है, अच्छा बात हुई कि चलते हैं भाई खीरगंगा ट्रैक। अब मैं तो गया हुआ था, तो मैं ही लेके गया था इन लोगों को, दोनों को। अब खीरगंगा ट्रैक शुरू किया, स्टार्टिंग में क्या मैं थोड़ा सा मस्त मगन मस्ती मूड वाला था यार, तो मैंने क्या शुरुआत में थोड़ी मस्ती कर दी, ट्रैक इधर उधर पकड़ के सेब सूप तोड़ने चले गए हम, कि चलो होने चाहिए, भर ली हमने सेब वगैरह। हाँ, ट्रैक चालू किया हमने पुराने रास्ते से, मतलब दो रास्ते हैं वहाँ जाने के, एक जंगल वाला रास्ता और एक गांव वाला रास्ता। अच्छा, तो गांव वाला रास्ता थोड़ा सा लेंथी है और जंगल वाला रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, और ठीक है एडवेंचरस भी है, मतलब शैंकी भाई को तो पता होगा ये चीज़। तो हम लोग निकले भाई गाँव वाले रास्ते से, और 1.5 किलोमीटर हमने चले होंगे, साथ वाले दोनों जने बोले भाई हमारी तो हिम्मत नहीं है, और मैं इनसे आगे चल रहा हूँ 1 किलोमीटर आगे। अच्छा, ये मेरे को फ़ोन कर रहे हैं भैया हम तो नहीं चलेंगे, आप आ जाओ वापस। अच्छा, मैं भाई मैं तो नहीं आऊँगा वापस, और ये चले गए वापस। ट्रैक हमने चालू किया था शाम को 6:30 बजे, मतलब अंधेरे से जस्ट पास में ही था। ये लोग वापस गए हैं भाई, घटना होगी अराउंड 9:30-10 बजे की, तो आधा ट्रैक हो चुका था, मतलब मैं एक पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर पहुँच चुका था जहाँ से दोनों रास्ते कनेक्ट हो जाते हैं ऊपर जाके, मतलब गांव वाला रास्ता और जंगल वाला रास्ता आपस में जाके कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से फिर एक ट्रैक एक अलग रास्ता चलता है। वहाँ पर पहुँचा भाई, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचा, मतलब जहाँ फ्लैश जा रही है वहीं दिख रहा है और तो कहीं दिख नहीं रहा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचा, खीरगंगा लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बरसिनी, दोनों के पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ लेफ्ट खीरगंगा राइट बरसिनी भाई, वहाँ पे और ऊपर एक ऐसी कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना अपना कुछ डिज़ाइन टाइप का, मतलब कैसे डिज़ाइन भी क्या बोलूँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ, स्कल टाइप का उसके ऊपर कुछ अच्छा। ऐसा सा था। अरे भाई मैं वहाँ से वही खीरगंगा देख के निकला। हाँ, मैं घूम के उसी पॉइंट पे आ गया दोबारा। अच्छा, मेरे को लगा कुछ कोइंसिडेंस हुआ होगा वहाँ पे, देन मैंने मेरी एक निशानी बनाई भाई। अच्छा, कि मुझे पता चले भाई रात को क्या सीन है भाई, मतलब कि मैं घूम के वापस तो नहीं आ गया कहीं। हाँ,
सेम हुआ भाई, मैं घूम के वापस उसी लोकेशन पे, भाई मैं जा रहा हूँ घूम के वापस उसी लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ भाई, ऐसा 3 बार हुआ। और मतलब एकदम से फिर किसी ने क्या वहाँ पे बेसिकली चिल्लाते वगैरह कुछ नहीं है पहाड़ों के बीच में, तो वहाँ पे भाई किसी ने मतलब ऐसे सीटी टाइप की आवाज मार के मारी और टॉर्च दिखाया। अच्छा, मैं चिल्ला दिया कि बेसिकली मुझे ऐसा पता नहीं है, तो उन्होंने टॉर्च से फिर यूँ मुझे रास्ता दिखाया, मैं रास्ता बताओ रास्ता, मतलब इतना वो एक तो अकेला बंदा भाई, रात को 10:30 बज रहे 11 बज रहे भाई, फट के 4, तो वो एक हॉन्टेड सीन जरूर रहा था भाई। कोई तो आपको रोक रहा है यार, आज आप पहुंच के आप उसी जगह पे आ रहे हो जैसे अपन इस रोड पे चल रहे हैं, वो तो मैं समझ गया भाई, इसी जगह पे घर के लिए चल रहे हैं और अपन एकदम से घूम के वापस इसी रोड पे आ जाते हैं। या तो कोई भाई बुला रहा है आपको बार बार, कोई अट्रैक्ट हो रहा है, हाँ कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। क्या हुआ आपके साथ ऐसा, शैंकी फोकस करो भाई पे, अपने खीर खा गए गुरुद्वारे में। अच्छा मणिकरण वाले, शैंकी भैया बोलो भाई, और कैसे हो? बढ़िया। कैसा रहा आपका आज का दिन? बढ़िया बढ़िया ही रहेगा। उसका नाम और नंबर तो बता दो सबको, किसका सब याद कर रहे हैं, शैंकी ने हमारा नंबर दिया था, शैंकी ने नंबर दिया था, ट्रक वाले का चाहिए जो आगे जा रहा है, नहीं आगे इसका है, हाँ ट्रक वाले का दो, आगे वाले आगे ट्रक ट्रक वाले का दो, जो ट्रक है क्या बात बोल रही है, अरे अब सुनो एक मिनट किसका, तो अभी आप लोगों ने ट्रक देखा तो आज आप बताओ कि शैंकी भाई कैसे हैं? ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर क्या होता है, छोड़ो फिर क्या है, अब टॉपिक पे आन दो, आप नंबर दे दो सब लोग उसको बोल देंगे, शैंकी भाई से बात कर लो, लिख लो ना भाई, वो लिखा तो है, कहाँ लिखा है बोर्ड पे, किसका 9871 किसका, जिसका कॉल चाहिए आपको, ये लिखा नंबर, ये लिखा, मैं मेरा नंबर तो दे रहा, बोर्ड पे लिखा किसी का नंबर।